स्पष्ट है कि भूमि की सुरक्षा तथा उसकी उपयोगशक्ति पौधों तथा जंतुओं से होती है। मनुष्य ने अपने आपस तथा खेती योग्य भूमि के लिए पेड़ पौधे एवं जंगलों को नष्ट किया है। आप जरा पौधे में पानी डालेंगे? डाल दिया पानी? सूखे पौधे थे उनमें डालना ही था। चलो इसमें डालते हैं और एकदम अंदर घुसे तो अंदर दबा दो एकदम मिट्टी के। हाँ, अब ठीक है। अरे आकाश और प्रिया, आप लोग बड़ी देर से आई आई इधर आइए। कहाँ रह गए थे आप लोग? फल खा रहे थे। फल खा रहे थे? कौन से फल खाए? सेब खाया आपने? केला। केला खाया। भाई सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं, है ना? सेहत का ध्यान तो रखना ही चाहिए, पर अपनी सेहत के साथ साथ दूसरों की भी सेहत का रखना चाहिए। हम लोग के लिए भी आते तो अच्छा रहता ना। हाँ चलिए अगली बार आ जाएंगे। पर ये फल वल तो आपने खाए वो तो ठीक है, पर ये गमले में मिट्टी में आप लोग क्या कर रहे थे? तो पॉलीथीन फेंकी थी, उसकी पन्नी थी। पॉलीथीन वो मिट्टी में आपने दबा दी, इधर उधर नहीं डाली? हाँ अच्छा, तो बैठिए, आपको आपने ये जो पॉलीथीन मिट्टी में डाला है उससे हमें आज एक कहानी याद आ गई। तो आज हम कहानी सबसे पहले आप लोगों को सुनाते हैं, सुनेंगे? जी। पर कहानी आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उस कहानी सुनाने के बाद हम क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं। तो अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे कहानी तो प्रश्नों के जवाब कैसे दे पाएंगे? ठीक है। तो कहानी एक गाँव की है। हमारा ये गाँव था, हमारे देश का ये गाँव, और बड़ा ही खुशहाल वहाँ के लोग बहुत स्वस्थ थे और हृष्टपुष्ट थे। तो जानते हो ऐसे क्यों थे वो लोग? क्यों थे वो? इसलिए थे कि उनके गांव में बीचों बीच एक तालाब था, बड़ा सा तालाब था, और उसका पानी बहुत ही शुद्ध था। तभी तो वो हृष्टपुष्ट थे, है ना? बिल्कुल सही बात आपने कही, उसका पानी एकदम शुद्ध था, ठंडा था, शीतल था। और उस तालाब के पास बड़े सारे पेड़ थे, बड़े बड़े, और उन पेड़ों पे बहुत मीठे मीठे फल भी लगते थे। अच्छा। तो गांव के लोग तो वो फल खाते ही थे। हाँ। साथ में जो पक्षी थे उधर के वो भी उसको खाते थे। हाँ। है ना? अच्छा, तो और वहाँ की जो फसलें थी, जो वहाँ पे किसान था, तो वो भी उस तालाब के पानी से उस फसलों को सींचता करता था। हाँ। और जाहिर है जब इतना अच्छा शुद्ध पानी से सिंचाई होगी तो फसल कैसी होगी? फसल भी अच्छी होगी। वहाँ की आबोहवा उस गांव की बड़ी अच्छी थी। कहने का मतलब ये कि बड़ी ही खुशहाली थी उस गांव में। और जो वो पेड़ थे वहाँ के बड़े बड़े, जो वो हमने अभी आपको बताया तालाब के पास लगे थे। हाँ। उसमें बड़ी बड़ी जड़ें थी। जड़ें मिट्टी में क्या कार्य करती हैं? जड़े पेड़ों को बड़ा करती हैं। पेड़ों को किस प्रकार बड़ा करती हैं? जड़े मिट्टी से पानी और तत्व लेकर पत्तियों तक पहुंचाती हैं। ठीक। और साथ में जड़े जो मिट्टी से तो पानी और तत्व लेती ही हैं जमीन से। हाँ। और मिट्टी को जानते हो वो क्या देती हैं? जड़े। ये आपको नहीं पता होगा। ये तो हमें नहीं पता ना। हम बताते हैं। जड़े जो होती है ना, उसकी कई शाखाएं हो जाती है। बड़े बड़े पेड़ों की बड़ी बड़ी जड़े होती है, वो जमीन में अंदर मिट्टी में चली जाती है। तो वो क्या करती है? मिट्टी को हर तरफ से जकड़ लेती हैं, पकड़ लेती हैं, मिट्टी को भागने नहीं देती कहीं भी। हाँ? इससे क्या होता है, जैसे तालाब के पास मिट्टी है, पेड़ लगा हुआ है, तो वो मिट्टी बहेगी नहीं पानी में, उसको रोके रखेगी काफी कुछ। हाँ? तो खैर, आपने ये तो देखा होगा कि गांव से लोग शहर की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? पैसा कमाने। उनको लगता है कि शहर में हमें कुछ पैसा अच्छा मिलेगा, काम मिलेगा, तो चलो शहर की ओर। पर इस गांव की जो खबर थी वो जब शहर में पहुंची कि वहां बड़े हरियाली है, हरे भरे पेड़ हैं, तो शहर के लोग गांव की तरफ दौड़े। वो क्यों दौड़े? क्योंकि पेड़ों को काटने के लिए ठंडी थी और पेड़ों को काटने के लिए वो वहां दौड़े। हवा बहुत ठंडी थी, उन्होंने कहा गांव में चला जाए, पर उनका असली मकसद था कि पेड़ों को काट के कुछ पैसा कमा लिया जाए। खैर, वो शहर से गांव में आ गए और गांव में आए और उसी तालाब का शीतल जल पीने लगे और वहीं आसपास रहने लग गए। और जाहिर है वो जब शहर से आए तो काफी सारी चीजें लेके आए, जैसे साबुन वगैरह अपने साथ लाए। और साबुन किस चीज में? जैसे आप अभी पॉलिथीन में फल खा रही थी उस लिफाफे में, तो उसमें वो लेके आए वहां से, और उसमें साबुन वगैरह लाए और वहीं तालाब के पास नहाए, कपड़े धोए, साबुन बहाए उसी पानी में, और गंदगी करते थे। तो धीरे धीरे तालाब का पानी कैसा होने लग गया? गंदा होने लग गया। और उसी पानी से जब खेतों की सिंचाई हुई तो क्या हुआ? खेतों का क्या हाल हुआ? बहुत ही गंदा।
क्या होगा बताइए? फसल नहीं अच्छी होगी, फसल नहीं अच्छी होगी, उसमें गंदा पानी पड़ने लग गया उसमें। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वहाँ के लोग जो थे गांव के, वो लोग बीमार होने लगे, उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं रहा, आबोहवा वहाँ की खराब होने लग गई धीरे धीरे। तो किसान ने क्या किया, धीरे धीरे कीड़े भी लगने लग गए पेड़ों में, तो किसान ने क्या किया, शहर की तरफ दौड़ा, शहर की तरफ से, शहर से क्या लाया वहाँ से, कीटनाशक दवाई। सीधी सी बात है कि कीड़े हो गए फसल में, तो वो कीड़ा मार कीटनाशक दवाइयां वहां से ले आए। और किसान को भी पता नहीं था, उसने भी पॉलिथीन वगैरह जो वहां से शहर से लाए वो भी अपने खेत में डाल दिया। पॉलिथीन की एक बात आपको बताएं कि ये है कि मिल तो ये आसानी से जाता है, बन भी आसानी से जाता है, पर ये नष्ट नहीं होता। तो क्या हुआ कि वो जब मिट्टी के अंदर, जैसे अभी इन्होंने गमले में मिट्टी में दबाया पॉलिथीन एक अच्छे से दबा दिया ना, तो ऐसे जब वो दबने लग गया मिट्टी में, तो और जड़ें भी थी और पेड़ों की, तो जड़ें जो थी वो पानी वगैरह नहीं खींच पाई जमीन से। पॉलिथीन जब पड़ जाता है, बीच बीच में आ जाता है, जहां जहां पॉलिथीन आ जाएगा वहां की जड़ें अपना कार्य नहीं कर पाएंगी। अब जब खाना पानी पेड़ को ठीक से नहीं मिलेगा तो पेड़ खराब हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात किसान को समझ नहीं आई, उसने तो कीटनाशक दवाएं डाल दी और पॉलिथीन वहीं फेंक दिए, और उसका दोहरा नुकसान हो रहा था। जानते हो क्यों हो रहा था? नहीं। अच्छा हम बताते हैं क्यों हो रहा था। उस गांव में एक बच्चा था, वो पढ़ता था कक्षा 3 में, हाँ, और उसने एक हमारा परिवेश किताब पढ़ी, और इसमें पर्यावरण प्रदूषण का जो पाठ है वो भी पढ़ा, और बड़े ध्यान से पढ़ा। अच्छा। जब उसने ध्यान से क्लास में पढ़ा ना, जैसे आप लोग ध्यान से सुन रहे हो ना बात को, ऐसे उसने ये पाठ पढ़ा। हाँ। तो उसने अपने पिताजी को आके बताया कि पिताजी मुझे पता है गांव में ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा पहले तो साफ सुथरा अच्छा शुद्ध गाँव था, अब यहाँ पर प्रदूषण आ गया है। प्रदूषण 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 क्या होता है आप समझे ना, कि जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा अगर बढ़ने लग जाए तो उसको प्रदूषण कहते हैं। तो वो गांव में हो रहा है, तो वहाँ पे सब लोग जैसे गांव में बैठते हैं मिलजुल के, उसको क्या बोलते हैं, पंचायत बैठी, और उन्होंने हम लोग को बुद्धि तो भगवान ने दी है, किस लिए दी है कि जो काम हम लोग करें वो सोच समझ कर अच्छे से करें। अच्छे से करने से क्या होता है, फायदा भी होता है, और हमारी जो बुद्धि होती है वो बहुत अच्छी होती है। बुद्धि से काम लेंगे तो बुद्धि भी बढ़ती है और काम भी अच्छा होता है, उसका फल भी अच्छा होता है। तो उन लोगों ने सब मिल बैठ के जो बात करी, तो उसमें उन्होंने सबसे पहला काम जानते हो क्या किया, सबसे पहला तो पेड़ का कटान रोकी, कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, पेड़ काटने उन्होंने रोके। और पेड़ काटने रोकने के बावजूद उन्होंने पता क्या किया, गांव में खूब सारे नए पौधे लगाए, ताकि क्या हो उससे अच्छी हवा आए, हरियाली फिर से आए, अच्छी हवा, जब पेड़ बड़े होंगे पौधे बड़े होंगे फिर से बनेंगे, तो शुद्ध हवा आएगी, है ना, अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल भी मिलेंगे और शुद्ध हवा भी मिलेगी, पहला काम। छाया भी मिलेगी। और दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि जो तालाब में गंदा पानी जाता था, उन्होंने कहा भाई इस तालाब पे कोई नहाएगा नहीं, साबुन नहीं बहाएगा, ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उसी पानी से हम मिट्टी को सींचेंगे तो हमारी मिट्टी में प्रदूषण होगा, है ना, और उसी को हम लोग पिएंगे तो पिएंगे तो हम भी बीमार पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि अपने अपने गुसलखाने अपने अपने घरों में बनाओ, शौचालय अपने घरों में बनाओ, जिससे कि गांव-गांव में गंदगी ना फैले, ठीक है। और तीसरा काम उन्होंने क्या किया कि जो पॉलीथीन थे लिफाफे थे वो एक जगह इकट्ठे करने शुरू किए, उन्होंने मिट्टी में कतई ना जाए, जैसा आज आपने डाला था गमले के अंदर ना, मिट्टी में नहीं डालना पॉलीथीन कभी भी। तो उन्होंने ऐसा कर दिया, जो हमारा जो बेकार कूड़ा करकट है जो नष्ट नहीं होता है जी, जैसे बाकी चीज तो जैसे आपने फल खाई, सेब खाया, केला खाया, आपने उसके छिलके रख दिए तो वो नष्ट हो जाएंगे, खाद बन जाएगी, पर पॉलीथीन तो नहीं होगा। तो उसको एक तरफ रख के इकट्ठा करके उसकी कोई उपयोगी चीज बनाए, उसका चक्रीकरण कर दें कि वो फिर से किसी और तरीके से इस्तेमाल हो जाए, उसको इधर उधर कूड़े में ना फेंके, उसका उपयोग कर लें, इस्तेमाल कर लें, ठीक है। हाँ, ये काम किया। और उन्होंने किसान को बताया कि भाई ये जो कीटनाशक दवाएं आपने यहाँ पे डाली, तो वो उतनी ही डालिए जितनी की जरूरत हो, जरूरत से ज्यादा नहीं, कि ज्यादा डाल देंगे ज्यादा फायदा हो जाएगा ना, पेड़ को तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में हमारी मिट्टी में भी मृदा प्रदूषण, मिट्टी को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, वो प्रदूषण भी होगा, ठीक है। अब आपको सब समझ आ गई, और फिर उसका आप जानते हो उस गांव में क्या हुआ होगा उसके बाद, खुशहाली, फिर से हरा भरा, हाँ। और ये तो हम लोगों को सोच समझ के करना चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, जहाँ हो रहा है वहाँ
रोकना चाहिए, उससे खुशहाली आएगी। अब आप लोगों से थोड़े से प्रश्न, मैंने पहले कहा था ना पूछूंगी थोड़े से प्रश्न, तो पहला प्रश्न हम आपसे, प्रिया ये बताइए कि मिट्टी का प्रदूषण किस चीज से होता है? एक कारण मिट्टी का प्रदूषण उसमें पॉलिथीन डालने से होता है। ठीक है हाँ, गुड। अब आप एक कारण बताइए कि मिट्टी में ये प्रदूषण किस तरीके से होता है। ये वाला मत बताइएगा जो इन्होंने बताया, दूसरा बताइए। कॉकरोच मारने की दवाई डालने से, कोई भी कीटनाशक दवाई डालने से मृदा प्रदूषण होता है। अब हम आपसे पूछें, क्या पूछें? ये तो इन्होंने दो कारण बता दिए, अब ये बताइए कि ये प्रदूषण ना हो उसके लिए क्या करें? कोई एक के जमीनों में, खेतों में पन्नी ना डालें। हाँ, खेतों में मिट्टी में कोई भी पन्नी ना डालें। अब एक आप बताइए कि किस तरीके से रोका जा सकता है प्रदूषण मिट्टी का? कीड़ा मार दवाई ना डालने से प्रदूषण रोका जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कीटनाशक दवाई हम मिट्टी में ना डालें तो प्रदूषण रोका जा सकता है। अच्छा, अब ये बताइए, जब जैसा हमने आपको बताया था कि मिट्टी में ये नहीं डालना चाहिए, खाद बन जाती है, अगर पौधे वो जो फल होते हैं केले के उसकी तो खाद बन जाती है और पॉलीथीन नष्ट नहीं होता है, बताया था ना ये बात। ये काम आप लोग जाकर घर में करेंगे, दो गड्ढे खोदिएगा, एक में थोड़े से पॉलीथीन डालिएगा और ढक दीजिएगा, और एक गड्ढे में रोजमर्रा का खाने पीने का जो कूड़ा होता है वो डालिएगा और ढक दीजिएगा, और 10 दिन बाद उसको निकाल के देखिएगा कि क्या होता है। हमने जो बात बताई है वो बात बिल्कुल सही निकलेगी, पॉलीथीन वैसे के वैसे ही निकलेंगे, और जो खाने का सामान होगा उसका क्या बन गया होगा? खाद बन गई जाएगा। अब आप लोगों ने जैसा अभी शुरू में पॉलीथीन डाला था, तो पहला काम क्या करेंगे? पॉलीथीन वहां से निकालेंगे। हाँ, मिट्टी से वो पॉलीथीन निकाल दीजिए और वहां पर एक पेड़ उगाइए, पौधा उगाइए, छोटा सा जाके। चलिए आप लोग उगा के दिखाएंगे। मैं ये निकालती हूँ, तुम पौधा लाओ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सा पौधा है, इधर से आके लगाइए। मैं इसमें पानी लेकर, इसमें पानी लेके, और इसमें अब आगे से ये प्रण कीजिए कि कभी भी मिट्टी में प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे।